जय श्री ओम नमः शिवदेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाशुद्ध परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग छठवां अध्याय आश्रव तत्व अधिकार के बारे में जान रहे थे और इसमें देखा था कल जीव अधिकरण के भेद, उसके द्वारा होने वाले आश्रव। आज अपन देखेंगे अजीव अधिकरण के भेद कौन कौन से हैं जिसके कारण कर्म का आश्रव होता है। तो आइए सूत्र नंबर 9 है उसका पहले उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। निर्वर्तना, निर्वर्तना, निक्षेप, निक्षेप, संयोग, संयोग, निसर्गा, निसर्गा, द्वी, द्वी, चतुर, चतुर, द्वी, द्वी, त्रिभेदः, परम। एक बार पुनः, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वी, चतुर, द्वी, त्रिभेदः, परम। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। षष्ठम अध्याय का सूत्र नंबर 9 क्या लिखा है देखिए। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वी, चतुर, द्वी, त्रिभेदः, परम। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण है। अब इस सूत्र की अपन संधि देखते हैं, एक एक शब्द को अलग करते हैं। देखिए अब यहाँ पर अलग अलग करके लिखा हुआ है, निर्वर्तना प्लस निक्षेप प्लस संयोग प्लस निसर्गहा। ये पूरा एक समस्त पद है, चारों का एक समस्त पद बन गया, पूरा समास बन गया, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्गहा। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो विसर्ग है ये विसर्ग का लोप हो गया था, अपन ने अभी इसको अलग किया तो विसर्ग यहाँ पर दिखा दिया। ये पूरा बहुवचन हो गया, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, बालकः, बालकौ, बालकः। तो इसके पूरा का एक रूप चलाया अपन ने समस्त समास बना करके। फिर लिखा है द्वी, फिर चतुः, चतुर लिखा था ना, राका विसर्ग हो गया तो क्या हो गया, चतुः प्लस द्वी प्लस त्री प्लस भेदः। ये भी बहुवचन में हो गया क्योंकि ये पूरे इसका एक समस्त पद है, तो क्या बना, ये भेदः बहुवचन में। क्यों, क्योंकि ये भी पूरे बहुवचन में है इसलिए ये भेदः शब्द भी बहुवचन में है। क्या कह रहे हैं, निर्वर्तना, जो निर्वर्तना है वो द्वी दो प्रकार की होती है, जो निक्षेप है वो चतुः चार प्रकार का होता है, संयोग जो है वो द्वी दो प्रकार का होता है, जो निसर्ग निसर्ग है वो त्रि तीन प्रकार का होता है। भेदा मतलब भेद या प्रकार। तो ये दो भेद, चार भेद, दो भेद, तीन भेद। ये लिखा है परम। परम क्यों लिखा है, पहले इसके पहले जो सूत्र था 8 नंबर में उसमें लिखा था आद्यम, आद्यम मतलब आदि, तो परम मतलब जो उसके बाद जो दूसरा है वो हो गया परम। तो क्योंकि अपन ने दो भेद पढ़े थे, अधिकरणम जीवः जीवः, जीव और अजीव अधिकरण के आधार से कर्म का आश्रय होता है। तो आद्यम में अपन ने पढ़ लिया जीव अधिकरणम, तो इस सूत्र में आ गया परम।
तो परम आने से क्या हो गया, यहाँ पर अजीव अधिकरण नहीं लिखा, क्योंकि अजीव अधिकरण लिखते तो कितना बड़ा सूत्र बन जाता। तो आचार्य ने लिख दिया परम, परम मतलब ये जीव अधिकरण के बाद का जो अधिकरण है उसको यहाँ ग्रहण करना है। तो परम मतलब दूसरा, दूसरा कौन सा हो गया, अजीव अधिकरण। तो ये सब अजीव अधिकरण के माध्यम से भी कर्म का आश्रय होता है। अब कितने कितने प्रकार से होता है, तो उन्होंने बताया निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ये मूल चार हैं। और फिर इनके उत्तर भेद करते हैं, तो निर्वर्तना के दो, निक्षेप के चार, संयोग के दो और निसर्ग के तीन भेद हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है अजीवाधिकरण, उसके नीचे लिखे हैं चार भेद, कौन कौन से, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, बहुत सरल हैं, चार वर्ड हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है और बिल्कुल याद हो जाएंगे, अजीव अधिकरण, ठीक है ना। अब फिर देखिए क्या लिखा है, चारों की परिभाषा लिखी है, निर्वर्तना किसे कहते हैं, संक्षेप, संयोग और निसर्ग। आइए इन तीनों की परिभाषा देखिए क्या लिखा है। पहले निर्वर्तना, निर्वर्तना मतलब लिखा है जिसके द्वारा रचना की जाती है, जिसके द्वारा रचना की जाती है। दूसरा लिखा हुआ है निक्षेप, निक्षेप का अर्थ होता है रखना। निर्वर्तना मतलब रचना, निक्षेप का अर्थ होता है रखना, किसी भी वस्तु को रखना। जैसे कोई पुस्तक है अपने उठाकर किसी एक टेबल से दूसरे टेबल पर रखा, अलमारी में रखी, तो उसको कहते हैं निक्षेप, आपने उसका क्या कर दिया, निक्षेप कर दिया, रखना हो गया। तो ये हो गया पहले निर्वर्तना मतलब रचना, निक्षेप मतलब रखना। फिर तीसरा दिया है संयोग, संयोग का अर्थ होता है मिलाना, जो वस्तु मिलाई जाती, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में मिलाना वो कहलाता है संयोग। अपन जैसे सब्जी बना रहे हैं तो उसमें तेल डाल रहे हैं और मसाले डाल रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये मिलाना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से मिलाना, उसका नाम क्या होता है, संयोग, ठीक है। चौथा है निसर्ग, निसर्ग का मतलब होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को निसर्ग कहते हैं, कोई किसी भी प्रकार की जो आप प्रवृत्ति करते हैं वो प्रवृत्ति कहलाती है निसर्ग। अब ये चार चीज़ हो गई, चार चीज़ समझ में आ गई, पहले रचना, दूसरा रखना निक्षेप, तीसरा संयोग मिलाना और चौथा निसर्ग मतलब प्रवृत्ति। इस प्रकार से संक्षेप से वर्ड का अपन को अर्थ समझ में आना चाहिए, चार जो वर्ड दिए हैं उनका अर्थ पहले समझ में आए। देखिए निवृत्ति, निवृत्ति मतलब बताया आपका रचना, आप किसी भी चीज़ की रचना करते हैं, जैसे मकान है, अब आप मकान बनाएंगे तो मकान बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, बहुत सारी सामग्री चाहिए, उन सबको मिलाने से आपका क्या बनता है, मकान। तो आपने मकान की क्या की, निवर्तना की अर्थात रचना की। आपने कपड़ा बनाया, भोजन बनाया, कुछ भी आपने कृति बनाई, कुछ भी काम किया, वो सब आपका निवर्तना कहलाएगा। किसी वस्तुओं को लेकर के आपने एक नई चीज़ क्रिएट की, वो सब क्या कहलाएगा, निवर्तना। इन सब के करने में आश्रय होता है, क्या होता है, ये अजीब चीज़ें हैं, ये जीव चीज़ें नहीं हैं, जिसकी चीज़ों से अपना रहे हैं, सब पत्थर है, ये लकड़ी है, इन सबको आप क्या कर रहे हैं, एक उससे आप मकान, घर, अलमारी, फर्नीचर, जो कुछ भी बना रहे हैं वो एक रचना कर रहे हैं। और ये सब अजीब वस्तुओं के निमित्त से, आप जीव हैं करने वाले, निमित्त आप उसमें हैं, और इन वस्तुओं का अपना अपना उपादान और इनका मिल करके एक नई चीज़ का बनना, तो ये होगी निर्वर्तना। और इसमें क्या होगी, हिंसा नियम से होगी, जैसे मकान बनाएंगे तो पत्थर आएगा, तो पत्थर भी खान से आएगा, वो एक इंद्री की हिंसा होगी। लकड़ियां हैं वो भी पेड़ पौधे कट के आएंगे, उसमें भी एक इंद्री आदि की हिंसा होगी, जल की हिंसा होगी, अग्निकाय की हिंसा होगी, तो और भी त्रस जीवों की भी हिंसा होगी। तो इसमें आपका जो कार्य किया आपने निर्वर्तना, उसमें जो आपका भाव था उस भाव से आश्रय होता ही होता है। तो आप कुछ भी निर्वर्तना करेंगे तो क्या होगा, आश्रय होगा। मुनिराज ने निर्वर्तना छोड़ दी, इसलिए उनको किसी प्रकार का ऐसा आश्रय नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथ से, निज हाथ से या निज भाव से इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, इसलिए वो महाव्रती हो गए हैं। और जो श्रावक है अनुव्रती हो जाए तो वो थोड़ा सा अपनी मर्यादा बना दे तो उतनी निर्वर्तना का उसको दोष लगेगा,
ठीक है ना। और यदि मर्यादा नहीं बनाता है तो फिर उसको संसार संबंधी समस्त उसको दोष लगते रहते हैं, ऐसा पाप का उसका आश्रय चलता रहता है। तो निर्वर्तना में किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की आपके द्वारा रचना बनाई जाए, कुछ काम किया जाए, उन सब के द्वारा क्या होगा, कर्म का आश्रय होता है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान करें। जैसा आपने कहा कि मुनि महाराजों को दोष नहीं लगता, लेकिन मुनि महाराज जैसे कि हमें प्रेरित करते हैं मंदिर बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, संत निवास बनाने के लिए, तो क्या उसका दोष हमें लगेगा या महाराजियों को लगेगा? मुनि महाराज किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, वो सिर्फ उपदेश देते हैं, और वो उपदेश देते हैं अहिंसात्मक, जिससे धर्म प्रहाना हो और परोपकार हो। उन्होंने उपदेश दिया कि आपके षट आवश्यक कर्तव्य के लिए आपका मंदिर होना चाहिए, साधु संत आए तो संत कुटियाएँ होना चाहिए, और परोपकार के लिए, जन उपकार के लिए इस प्रकार से कोई औषधालय आदि होना चाहिए। तो मुनिराज उपदेश देते हैं, वो भी अहिंसात्मक उपदेश देते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं। तो धार्मिक उपदेश दिया और आपने उसे ग्रहण किया, और आपने प्लानिंग करके गुरुवर से आशीर्वाद भी लिया कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, हमें कार्य करना चाहते हैं, और गुरुदेव आशीर्वाद भी देंगे, अच्छे कार्य के लिए आशीर्वाद भी देंगे, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो धवला में, जय धवला में भी यह प्रश्न आया सामने। तो उन्होंने कहा कि यदि जिनालय का उपदेश देते हैं, मंदिर का उपदेश देते हैं, परोपकार का उपदेश देते हैं, तो सावध दोष तो लगेगा, लेकिन अधिक पुण्य की राशि उस श्रावक को प्राप्त होने वाली है उसके माध्यम से, तो उस श्रावक के लिए अति पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए अच्छे कार्य, अहिंसात्मक कार्य, परोपकार उसे प्रेरणा देना चाहिए और उसे करना भी चाहिए। हाँ, मुनिराज यदि आरंभ सारंभ का उपदेश दें कि तुम मकान बनाओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी कोठी बनाओ, दुकान बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, ये करो वो करो, संसार संबंधी उपदेश देते हैं, तो उनको पाप का बंध होगा, और आगामी काल तक जब तक वो पाप करता रहेगा तब तक उनके लिए पाप का बंध होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे वो पाप ही करेगा। मंदिर बनाएगा तो यहाँ तो जाप करेगा, स्वाध्याय करेगा, अभिषेक दिखेगा, तो वो मुनिराज की अनुमोदना अच्छी हुई। लेकिन संसार संबंधी अनुमोदना करें, तुम शादी करो, तुम बच्चे पैदा करो, तुम दुकान खोलो, ये कपड़ा की दुकान खोलो, इसकी दुकान खोलो, तो ये क्या है, आरंभ सौ जहाँ पर वो छल कपट मायाचारी राग द्वेष मोह सब करेगा, तो इस प्रकार से करने से मुनिराज को उसका निमित्त का दोष लगेगा, ठीक है ना। लेकिन धर्म का उपदेश देने में आचार्य ने कहा है कि उन्हें पुण्य का बंध बंधेगा। क्यों? उनके निमित्त से कितने जीवों का कल्याण होगा, कितने जीवों का उद्धार होगा, एक स्कूल खुलाएंगे, कितने जीवों को ज्ञान की शिक्षा मिलेगी, जैन धर्म की, लाखों बच्चे पढ़ेंगे उसमें, तो कितने बच्चों को जैन धर्म, नमोकार मंत्र आदि का ज्ञान होगा। एक अस्पताल खुलवा दिया प्रेरणा से, तो कितने जीवों की जान बची, तो कितना कल्याण हुआ। एक मंदिर बनवा दिया तो कितने लाखों लोग उस मंदिर के माध्यम से तर गए, तो कितना पुण्य की प्राप्ति होगी। तो एक बार उपदेश और जीवन भर पुण्य कमाते रहो। तो इस प्रकार से जहाँ पर कल्याण हो, परोपकार हो, अहिंसा का कार्य हो, तो वहाँ पर उपदेश का प्रेरणा भी देते हैं, निमित्त बनते हैं, उपदेश भी देते हैं, और जहाँ गलत कार्य हो, सांसारिक संबंधी हो, वहाँ पर वो ऐसा उपदेश नहीं देते हैं। इस प्रकार से यह बात यहाँ पर ऐसा समझना। तो अपन समझ रहे थे निर्वर्तना मतलब रचना। अब यहाँ देखिए निर्वर्तना कि जैसे प्रकार से अपन ने सूत्र में पढ़ा था, दो भेद होते हैं निर्वर्तना के, दो प्रकार के भेद होते हैं, एक मूल गुण निर्वर्तना और एक उत्तर गुण निर्वर्तना। क्या भेद हैं दो निर्वर्तना के? एक मूल गुण निर्वर्तना और एक उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना मतलब अभ्यंतर अंतरंग साधन से उत्पन्न होने वाली रचना, ये मूल गुण निर्वर्तना है। और उत्तर गुण निर्वर्तना किसे? जो बहिरंग साधन से उत्पन्न होने वाली रचना। अंतरंग साधन से क्या है? जैसे अपना औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय हो तो अपना शरीर का निर्माण होना, क्या होना, जब तक हमारे नाम कर्म का उदय नहीं होगा, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होगा, तब तक नौ वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होगा, और नौ वर्गण ग्रहण नहीं होगा तो शरीर की रचना भी
नहीं होगी। ये शरीर भी अजीव पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ठीक है ना। तो इसकी रचना होना, यहाँ लिखा है ना, शरीर वचन मन प्राण और आपान, ये सभी की सभी मूल गुण निर्वर्तना हैं, अर्थात कर्म का उदय है। कर्म के उदय से शरीर की रचना होना, अपने वचन में भाषा वर्गणा आना, मन में मनोवर्गणा का उत्पन्न होना, और प्राण और आपान के लिए श्वासोच्छ्वास का आना और जाना। तो इस प्रकार से प्राण भी आना, तो ये मूल गुण निर्वर्तना कहलाएगी, जिसमें अंतरंग साधन है। अंतरंग साधन हमारा पीछे सत्ता में रखा हुआ कर्म है, वो कर्म उदय में आता है तो इस जीव का शरीर बनता है, मन बनता है, वचन बनते हैं, प्राण बनते हैं, और ये आपान आदि ये सब जो हैं हमारे तैयार होते हैं, उसके बिना नहीं हो सकते हैं। तो ये मूल गुण रचना होगी, मतलब मूल रचना ये हो गई हमारी सबसे पहले अजीव संबंधी, जिसमें हम निमित्त हैं, ठीक है ना। हमारे बिना निमित्त के वो शरीर बन जाएगा क्या? हम नहीं होंगे तो शरीर बन जाएगा, मन बन जाएगा, वचन बन जाएगा, प्राण बनेगा? नहीं बनेगा, कभी तीन काल में नहीं बनेगा, ठीक है ना। हम होंगे तो बनेगा। जैसे जीव आया गर्भ में और उसने वहाँ पर आहार वर्गणा इकट्ठी की तो अपना शरीर बनाया, फिर भाषा वर्गणा, फिर मनोवर्गणा, इस प्रकार से उनने सारी वर्गणाओं को इकट्ठा करके अपना शरीर बनाया, शरीर तैयार किया। उसमें उसका अंतरंग कारण उसका पिछला कर्म का उदय है, तो उसके निमित्त से, जीव के निमित्त से वहाँ पर उसका शरीर आदि का निर्वर्तना होना, उसकी रचना होना, और वो रचना जो है वो मूलगुण रचना कहलाएगी, पहली रचना। दूसरा जो भेद लिखा हुआ है उत्तर गुण निर्वर्तना, जिसे कहेंगे अपन बहिरंग साधन से उत्पन्न होने वाली। अब मैं जन्म ले लिया, अब मेरे द्वारा जितनी भी बहिरंग में रचना हो, जैसे काष्ट कर्म, चित्र कर्म, पुस्तक कर्म, ये जितनी भी रचनाएं हो रही हैं मेरे द्वारा, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ तो मैंने लिखा, काष्ट कर्म लकड़ी का कोई भी काम मैंने किया तो मेरे द्वारा हुआ। ये फर्नीचर अपने आप थोड़ी बन जाएगा, आप बनाएंगे तभी तो बनेगा, आप उसमें निमित्त बनेंगे तभी तो बनेगा। चित्र कर्म, आपने चित्र बनाया, इस प्रकार से आपने घर बनाया, मकान बनाया, भोजन बनाया, कपड़े बनाए, जो कुछ भी आपने बनाया ये सब क्या है? उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाती है। तो इस प्रकार से जो निर्वर्तना है उस निर्वर्तना से आश्रय होता है। जिस समय मूल गुण निर्वर्तना चल रही है उस समय भी जीव का कर्म का आश्रय चल रहा है, निर्माण हो रहा है, तो उसमें निर्माण में जीव की अपनी शक्ति लग रही है, उसका अपना योग लग रहा है और उसका अपना परिणाम लग रहा है। तो परिणाम, योग, शक्ति, इन सब के माध्यम से वहाँ भी जीव का कर्म का आश्रय हो रहा है। तो देखिए कैसे कर्म का आश्रय हो रहा है, वहाँ पर जीव है, उसके जो परिस्पंदन हो रहा है, योग का परिस्पंदन हो रहा है, उस समय उसके लगने वाले जो परिणाम हैं वो परिणाम भाव के माध्यम से जो परिस्पंदन हो रहा है, तो शरीर के निर्माण में और भाषा के निर्माण में, मनोवर्गणा के, मन के निर्माण में, प्राण के निर्माण में और आपान श्वासोच्छ्वास के निर्माण में, जिस प्रकार से भी जीव के वहाँ पर योगों का परिस्पंदन है उसके कारण भी क्या हो रहा है? आश्रय हो रहा है। ये अजीव अधिकरण संबंधी आश्रय है। देखिए कितनी बड़ी साइंटिस्ट है जैन धर्म की, कि आश्रय जन्म होने के बाद ही बच्चे का होगा, ऐसा नहीं है। जब बच्चा गर्भ में आ गया वहीं पर भी कर्मों का आश्रय प्रति समय कर रहा है, एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय उसके कर्म का आश्रय नहीं हो रहा हो। बहुत कर्मों का आश्रय उसके वहां भी हो रहा है, अजीव संबंधी आश्रय हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से फिर अपन ने समझा उत्तर गुण, जब जीव आया, बाहर आया और उसका धीरे धीरे उसका विकास हुआ तो उसने अनेक अजीब वस्तुओं का फिर निर्माण करना प्रारंभ किया। वो कुछ भी बनाता है, बचपन में मिट्टी का ढेला बनाता है, अपने खिलौने बनाता है, तो उसमें भी उसका योग की चंचलता होती है, परिणाम लगता है, आत्मा की शक्ति लगती है, इनमें उनमें राग करता है, उनमें द्वेष करता है, इस प्रकार का उसमें भी कर्म का क्या होता है? आश्रय होता है। आप कुछ भी बनाएंगे उसमें आपकी प्रवृत्ति ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, उसमें योगों की चंचलता ना हो
ऐसा हो नहीं सकता है। और योगों की चंचलता हुई तो आचार्य भवन कहेंगे अजीव अधिकरण संबंधी यह आश्रय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए थे कि आप कोई भी काम करते हैं, उस काम के लिए आप कुछ तैयारी करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको क्रिएट करेंगे, तो उसमें आपका परिणाम लगेगा, आपका भाव लगेगा, फिर आपकी मन वचन काय की क्रिया लगेगी और तत्संबंधी आपके आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होगा, तो उसके कारण क्या होगा, आश्रयों का आना प्रारंभ हो जाएगा और वह आश्रय कर्म जो है हमारे आत्मा के साथ बंध को भी प्राप्त हो जाते हैं। जितनी उसमें हमारी तीव्रता मंदता कषाय होती है उसके अनुरूप उस कर्म की इतनी स्थिति उसका अनुभाग पड़ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य उन्होंने अजीवादिकरण में जो चार भेद बताए थे, निवर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, इन चार के निमित्त से क्या होता है, कर्म का आश्रय होता है अजीव अधिकरण संबंधी। अजीव अधिकरण मतलब अजीव ही जिसका आधार हो, क्या हो, जीव आधार नहीं कह रहे, अजीव के आधार से जीव को आश्रय, अजीव को आश्रय नहीं होता भैया, आश्रय किसको हो रहा है, जीव को हो रहा है। कर्म का आश्रय किसको हो रहा है, जीव को हो रहा है, किसके आधार से हो रहा है, अजीव के आधार से। तो कौन सा अजीव का आधार, पहला निर्वर्तना, आप कुछ भी क्रिएट करें, निर्वर्तना करें, रचना करें, उसमें आपका आत्मा का योग लगेगा तो फिर क्या होगा, जीव को कर्म का आश्रय होगा ही होगा। अब देखते हैं निर्वर्तना जो अपन ने दो प्रकार की पढ़ी है उसको स्लाइड के माध्यम से एक चीज़ और समझ लेते हैं जिससे हमें और किस प्रकार का उससे आश्रय हो सकता है। हाँ, यहाँ देखिए लिखा है निर्वर्तना और उसके दो भेद अपन करते हैं, जैसे शरीर और उपाधि। शरीर और उपाधि, शरीर की असावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करने से शरीर हिंसा का उपकरण बन जाता है। हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं और उसमें असावधानी है, सावधानियां नहीं हैं, समिति को बोलते हैं सावधानी, यदि समिति नहीं है, सावधानी नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा शरीर हिंसा का उपकरण बन जाएगा, जीवों की हिंसा का कारण बन जाएगा, तो उससे भी क्या होगा, आश्रय होगा। क्यों आचार्य भगवान ने शरीर संबंधी कहा कि जो मूल गुण निर्वर्तना में जो शरीर की रचना हुई है वो कैसे कर्मों का आश्रय होगा, ये शरीर तब कर्मों का आश्रय होगा जब इस शरीर के माध्यम से किसी प्रकार की हिंसा होने लग जाए, ये हिंसा का उपकरण बन जाए, आपके नाखून बड़े हैं, आप किसी को मारने के कारण बन जाए, आपका हाथ है किसी को झापड़ मारने का कारण बन जाए, आपका हाथ किसी को चाकू मारने का कारण बन जाए, तो क्या हो गया, ये हिंसा का उपकरण हो जाएगा। जैसे बंदूक है वैसे आपका शरीर हो गया, तो ये उपकरण बन गया किसका, पर की हिंसा करने का, अपनी आत्महिंसा होगी पर की भी होगी। तो इस प्रकार से ये शरीर की निर्वर्तना के कारण कर्म का आश्रय होना प्रारंभ होगा। फिर दिया है उपाधि, उपाधि में क्या दिया है, जीव बाधा के कारण ऐसे छिद्र सहित उपकरण बनाना। अब देखिए क्या करा, वो जीवों की बाधा हो, जीवों को नुकसान हो, ऐसे तुम क्या बनाइए, उपकरण बनाइए। तो ऐसे आपने उपकरण कितने बना लिए, बहुत सारे बनाए, ठीक है ना, जैसे आपने जालीदार कुछ चीज़ बनाई, नीचे पानी रखा है, आपके जीव जा रहे हैं, जाली से नीचे गिर रहे हैं, तो वो जीवों की हिंसा होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे कितने सारे उपकरण हम ऐसे बनाते हैं जिससे जीवों की हिंसा होती है। अब देखिए बूचड़खाना में जितने यंत्र बने हुए हैं, ये आपके मुर्गी पालन में कितने यंत्र बने हुए हैं, ऑटोमेटिक मशीन बन गई है, जानवर रख दिया जाए और कट पिट करके वो पैक होकर के आ जाता है आपके घर तक। तो क्या हुआ, ये उपकरण ऐसे बनाना, जीव को बाधा, जीव को नुकसान, जीव की हिंसा होना, ये आपने निर्वर्तना की है, ये आपने उपाधि की है, इन सब से भी कर्म का आश्रय होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि निर्वर्तना में शरीर की जो निर्वर्तना होती है वो भी हमारे लिए हिंसा आदि के कार्य में कारण होने के कारण वह आश्रय का कारण बनता है। और यदि हम इस शरीर के माध्यम से ऐसे और भी उपकरण आदि बनाते हैं तो वो उस उपकरण से उसके माध्यम से लगने वाले परिणाम से भी कर्म का आश्रय होता है। इस प्रकार से अजीव अधिकरण के माध्यम से आज अपन ने निर्वर्तना नाम का जो ये रचना थी उससे कैसे कैसे आश्रय होता है उसके बारे में जाना। कल अपन देखेंगे निक्षेप, संयोग और निसर्ग आदि के बारे में चर्चा करेंगे। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं, आइए हम सब लोग मिलकर के
जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।